নমস্কার, আপনারা দেখছেন দা খাস খবর। আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ নিয়ে আমি রূপা। চাকুলিয়া বিধানসভা এলাকার অসুরাগড়ের অশোক সিং বামপন্থী আন্দোলনের জনপ্রিয় নেতা। আজকে কানকি মুন্সি প্রেমচাঁদ মঞ্চে অশোক সিংহের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হলো। উপস্থিত ছিলেন বামপন্থী আন্দোলনের সহযোদ্ধা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মাধব ভট্টাচার্য, বিভূতি দাস, মোহাম্মদ মুস্তাফা মাস্টার, বিধায়ক আলী, ইমরান, রমজ মোহাম্মদ সেলিম। আজকে জনদরদী নেতা অশোক সিংহের স্মৃতিচারণ করলেন এলাকার বিশিষ্ট বাম নেতা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বিভূতি দাস সহ আরো অনেকে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস অশোক সিংহের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 78 সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তার রাজনৈতিক উত্থান ঘটে। গোয়ালপোখর দুই ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও জেলা পরিষদের সহকারী সভাপতি পদ সামলিয়েছিলেন। পাঞ্জাবের হোশিয়ারপুরে জন্মগ্রহণ করেও তিনি মনে প্রাণে ছিলেন বাঙালি। তিনি বাংলা পড়তে পারলেও লিখতে পারতেন না, বাংলা হিন্দি ভাষাতে তিনি কথা বলতে ছিলেন পারদর্শী। আজকে স্মরণসভায় প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে মুন্সি প্রেমচাঁদ মঞ্চে ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। আদর্শ বামপন্থী নেতা স্মরণসভায় যোগদান করেন রায়গঞ্জের প্রাক্তন সাংসদ মোহাম্মদ সেলিম। অশোক সিং ছিলেন রাজনৈতিক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে, তিনি ছিলেন হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় চোখের মধ্যমণি। आप सभी लोग ने उनको प्यार दिया, सहयोग दिया, इलेक्शन में खड़े हुए जीते, आप सभी लोग ने उनको इतना भरपूर प्यार दिया कि वो पंजाब छोड़कर यहीं के हो गए। यहाँ पे उन्होंने अपनी कर्म भूमि को अपना सब कुछ मान लिया। हम लोग कभी कभी घर में पापा से नाराज हो जाते थे कि पापा आप लोग फैमिली को टाइम नहीं देते। बेटा बेटी खाली परिवार मेरा यही नहीं है, जो मेरे साथ मेरे सहकर्मी है, जो मेरे हर दुख सुख सब जगह मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरे कर्म क्षेत्र के लोग जो मुझे प्यार करते हैं। देखा कि कोरोना महामारी होने के बावजूद जहाँ हम लोग घर पर अपने जरूरी काम के लिए भी बहुत मुश्किल से मुश्किल निकल पाते हैं, दस बार सोचते हैं बाहर जाया जाए कि नहीं। कोरोना महामारी होने के बाद अपनी पहचान बनाता है और अपने काम से पंजाब से आकर बंगाल में जहाँ की भाषा अलग है, हमारी जुबान अलग है, उसके बाद भी वो हमारे बीच में हमसे मिलकर हमारे में ही समा जाता है और अपने आप को हमसे इस तरह जोड़ देता है कि अशोक सिंह में और सुरेश सिंह में कोई फर्क नहीं है, अशोक सिंह में और अब्दुल्ला में कोई फर्क नहीं है। लोग इस तरह से उसको अपनाने लगे, चाहे वो हिंदू संप्रदाय हो चाहे मुसलमान संप्रदाय हो। आज अशोक सिंह सबके लिए उतना मायने रखने लगे थे कि जितना कि वो अपने परिवार के लोगों के साथ जुड़ा। मैंने देखा जब छिटकिया में मस्जिद को लेकर एक मसला खड़ा हुआ, करबला को लेकर मसला खड़ा हुआ, कानकी में एक सांप्रदायिक मसला खड़ा हुआ, उसके साथ कभी कोई सामाजिक मसला खड़ा हुआ, तो मैं अपने राजनीतिक जीवन में जब भी उनको सामने पाया हूँ तो उनको हमेशा देखा हूँ कि वो समाज के लिए मजबूत ढाल बन के खड़े हुए हैं और समाज में शांति कैसे बनाए रखी जाए और सही के रास्ते पर चलकर किस तरह से नेतृत्व देना होगा, ये उनसे भी मैंने सीखा है। और वही एक शख्स थे जिनको मैंने हर मुसीबत की घड़ी में एक आवाज देने पर उनको मैं पाया हूँ, चाहे वो कानकी का मसला हो, चाहे वो झिटकिया का मसला हो, चाहे झिटकिया करबला का मसला हो, कहीं पर भी अगर सांप्रदायिक कोई ऐसी बात हुई हो जिससे कि हमारे इलाके का माहौल खराब हो सकता था, उसमें उस वक्त अशोक सिंह जो है मेरे अंकल उस वक्त मेरी हाथ बन के भी मेरे साथ खड़े रहते थे और वो ये हिम्मत भी देते थे कि
बेटा तुम चलो, तुम्हारे साथ तुम्हारा चचा है, ये यकीन वो दिलाते हैं। इस यकीन के साथ वो हम लोगों को लेके चले, आज उनकी कभी हम लोगों को खले, लेकिन हम लोग यहाँ पर सब आए उनको श्रद्धांजलि। एक राजनीतिक व्यक्ति को अगर श्रद्धांजलि देना हो, उनके कर्म जो अपने जीवन में जो वो कर्म किए हैं, उस कर्म में वो जो रास्ता तैयार किए और जिस नीति आदर्श के साथ वो चलकर इलाके की खिदमत की, इलाके का काम किए हैं, जिस उसूलों पर वो खड़े रहे हैं, अगर सही मायने में हम लोग को श्रद्धांजलि देनी हो, तो हमको उनके उसूलों पर खड़े होकर जनता के लिए, आवाम के लिए खिदमत करने का जज्बा पैदा करना होगा। श्रद्धांजलि देने हम आते हैं उनसे व्यक्तिगत रूप में, हमारा जो रिलेशन है उसके वजह से भी कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ राजनीतिक वजह से जुड़े हैं, कुछ उनके कर्म शैली से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से भी लोग जुड़े हों, आप उनको जिस तरीके से जानते हैं, आप उनके उसी तरीके को अपना कर समाज में काम करें, ताकि उनके बताए हुए तरीके पर, उनके रास्ते पर चलते हुए ये समाज की खिदमत करें। जो काम वो अधूरा छोड़ गए हैं, जो काम वो अपने जीवन में अधूरा छोड़ गए हैं, समाज के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, माँ बहनों के लिए, उस काम को उनके उसूल पर चलते हुए हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, हम सब ये जिम्मेदारी है कि आप उस काम को आगे बढ़ाने का, उसको अंजाम तक पहुँचाने का जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। और साथ ही साथ मैं उनके परिवार में उनके सुपुत्र हैं यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप अपने आप को अकेला या कमज़ोर महसूस नहीं करें। आज आपके साथ आपके पिता नहीं है, लेकिन आपके पिता ने आपके लिए इतने सारे इलाके में लोगों को आपके परिवार से जोड़ दिया है कि आप अपने आप को कभी कमजोर या अकेला महसूस नहीं करें। आपके साथ हम सब हैं, पूरी ताकत के साथ हमारी वामपंथी पार्टी के लोग हैं, इस इलाके के दूसरे पार्टी के लोग भी हैं जो अशोक अंकल को अपना मानते हैं, सब आपके साथ हैं, सबकी हमदर्दी आपके साथ है और हम सब आपके साथ हैं। जब भी आप आवाज़ दें हम सबको आप आइएगा। और आपसे भी मेरा ये निवेदन रहेगा, एक कॉम्रेड अशोक से कर्म क्षेत्र को आप अपनाएं और उसकी तरह से आप भी समाज में जुड़कर काम करें, उसमें हम सब आपके साथ हैं। और आगे आप बढ़ें, अशोक सिंह जी की कमी अब आपको उस जगह को लेकर पूरी करनी होगी, ये उम्मीद भी हम लोग आपसे करते हैं। और साथ ही साथ मैं ही कहूँगा कि आज जो वातावरण तैयार किया गया है राजनीतिक संबंध बन गया था, स्टेशन करता था, स्टेशन घूमना होता था, तो स्टेशन से फिर वो उनका बेटा घर ले जाते थे, वहाँ मैं फिर तैयार होकर के नाश्ता वास्ता करके फिर अपने कार्यक्रम ले जाता था। तो नॉर्थ बंगाल में उस वक्त दूसरा करता था, उसके बाद जब सांसद बना उससे मैंने मेरा साथी हमारे साथ तीन मिनट ही रखा था, लेकिन वो दो पीढ़ी से लाल झंडे को अपनाए थे। अभी जो लोग जाते हैं ना कि बहुत जुलूम हो रहा है, सचिव मुकदमा हो रहा है, मीठा मामला बच्चे, हमला बच्चे, लोग बच्चे क्या बच्चा चले जाए, सब पाई এটা একটা সৌরভাগ্যিক প্রবণতা, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, আমরা সংবিধানের বিরুদ্ধে, সংবিধান আমরা অধিকার দিয়েছি যে যে কোনো দল করতে পারে, যে কোনো মত থাকতে পারে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে অশোক সিং তার খুঁটির মতো দাঁড়িয়েছে, পুনম চুনাবে খেলি जिला परिषद में प्रशासकों में दो प्रश्न का प्रचार होता, बहुत दुख होता था, उनसे मैं बात किया और उसको बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि उससे पहले पंचायत की सिस्टम में रह करके, पंचायत के बाहर रह करके, जिला परिषद में रह करके, पंचायत समिति में रह करके, ये सब रह कर रोज का दुख, दर्द, परेशानी, रास्ता, घाट, बारिश, सैलाब, तूफान, आंधी, ये सब तो दुख लोग बोलते थे धीरे धीरे क्या ये काम आपने किया करवाया, लेकिन चुनाव पर कैसा प्रचार होने लगा, ये हिंदू भी मुसलमान थे, हिंदू मान हिंदू हिंदू, मुसलमान
जब वो कर लिए तो ये सपन सुना को दे और ये पूरा मुल्क हो रहा है मिस्टर जरूरी अगर से आप लोग इस देश में देख रहे हैं एक हाका का जो हुआ है कोरोना तो काम का है कोरोना के पहले से नागरिकता संशोधन कानून सीए एक एक नागरिक बन गया वो एक नागरिक बन गया वो तो बड़े लोग के पास पड़ गया वो सब तो काम मिलना है भाषा का नाम है जाति का नाम है যারা এখানে বলছে বাঙালি হিন্দুদেরকে উপাস করতে তবে রুটিন বিশ্বাস করছে না কম নামিন্দ্র তার আশা যখন বন্যা হচ্ছে বন্যা প্রাণ করার বদলে রিলিফ দেওয়ার বদলে কুঙ্ক বদলে বড়িয়া বিশ্বাস বন্ধ শব্দ চলে যায় তার এখানে এসে উত্তরবঙ্গে হঠাৎ বাঙালি প্রেম সবচেয়ে আর আসলে বাঙালি নির্দেশ লাগছে এই জন্য আদর্শ লাগে এই জন্য বিশ্বাস লাগে এই জন্য প্যাট দিল যায় যে লালস্য যে গেল প্রশাসন ও সে কেমন বদলা পুরো মন তো কেমন বদলা লোক বড়া মে পরেশান নাই মে আপনি আপনি ফোন আনা কর্ণাটক সে জীবিকা সরকার यहां के एमएलए भी कोई काम नहीं कर रहा है हम तो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो रहा बोला मेरी मां की मौत हो गई कोरोना में आदमी रोड पे बोल रहा है पर हमको क्यों बोल रहे हैं आपका देश का आपका नंबर देखा आप लोगों का परेशानी में काम होते हैं जैसे आपको बोल रहे हैं हमको बोला क्वारंटाइन में रहने के लिए लेकिन हम कहाँ रहेंगे क्वारंटाइन में हमें जगह नहीं है यहाँ एक जगह का बोल रहा है जिनमें 1800 रुपया लगेगा मेरे पास पैसा नहीं जब अभी बीमारी के लिए लोगों को चाहिए मास्क सैनिटाइजर है ना चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार उसके ऊपर जीएसटी हटा दिया तो आपको खरीदना पड़ रहा ज्यादा क्यों अगर सरकार जनता के पक्ष में होती तो बोलते ठीक है हमें सबको जरूरत है तो हमें सैनिटाइजर और मास्क में हम जीएसटी ले लेंगे टैक्स ले लेंगे इतना तो करते फ्री में नहीं देते टेलीविजन में बोल रहे हैं काम बोल रहे हैं कि सब लोग मास्क पहन जब सर मास्क पहनेगा तो मास्क आएगा कहाँ से इसके पास खाने का पैसा नहीं है तो सरकार को चाहिए पहले दिन हमने कहा के राशन दुकान से जैसे राशन मिल रहा है वैसे सबको मास्क भी मिलेगा हिसाब करके जितना परिवार में जितना लेकिन प्रधानमंत्री बोलती है कि आपदा को अवसर बदलना पड़ेगा मतलब फायदा देना पड़ेगा किसका फायदा हो रहा है अंबानी जी का अदानी जी का जब हमारे मजदूर दूसरे शहर में फंसे हुए थे घर आना चाह रहे थे कि वो ले लो से जातीय संपत्ति नेशनल प्रॉपर्टी जब जाति सबसे बेसि प्रयोजन छो मानुषार्थ बेसि प्रयोजन छो तो भैया एक रेल का टिकट देते रेल चला दे अपना घर चले जाएंगे क्योंकि काम नहीं है खाना नहीं है रहने की जगह नहीं है माँ में मेरा बीमार माँ है बाप है बच्चा है हुकूमत कह दिया रेल ले चलो।